जयपुर से बड़ी खबर है, व्यापारी को डमी बम भेजकर रंगदारी मांगने से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है। इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। दोनों को दस्तयाब कर लिया और दस्तयाब करने के पश्चात रात को 2 बजे करीब इसका पटाक्षेप हो गया कि इन्होंने अपने व्यक्तिगत पैसे की कमी को लेकर मालिक की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए वह लेटर पहुंचाया था, जिससे कि यह कुछ रुपए इसे उगा सकें। इधर जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, साथ में न्यूजीलैंड की टीम भी यहाँ 17th को मैच है, तो हमारी टीम ने 48 ओवर्स में हर चीज़ को साइबर, हमारी पुरातन पुलिस की तकनीक है उसमें एवं व्यवहारिक और समस्त चीज़ों को सामने रखते हुए क्लियर कर लिया है। और ये दोनों हमारी हिरासत में हैं, आने वाले समय में इन्होंने कहां कहां से यह जो बम का डमी रूप है किस तरीके से इन्होंने क्रिएट किया, किस तरीके से बनाया, या कोई इनकी और भी एकम्प्लिस है, उसके संबंध में जांच जारी है और आने वाले समय में हम आपको अवगत करवाते रहेंगे। धन्यवाद। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि आपके नोट में भी लिखा हुआ है कि इसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है कि इन्होंने ये पुर्जे, ये सारा सामान, ये टेक्निक कहाँ से की। रात को लेट ही लेकर टीम इनको आई है, आने वाले समय में हम आपसे आपको इससे आगाह करते हैं। इनकी एक्यूरेसी कितनी थी सर बम बनाने की, उसमें क्या क्या चीज़ की कमी थी, तो बताया जा रहा है केवल विस्फोटक नहीं था, बाकी सारी चीज़ें नहीं। इसको हमारे बैलिस्टिक के और BDS टीम के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन का हम इंतजार कर रहे हैं, देन हम आपसे शेयर करें। अभी ये निकाला जा सकता है कि एक्चुअली ये बम बनाने के लिए बनाया गया था, दिखाने के लिए बनाया गया था, क्या उद्देश्य था केवल? ये अभी तक की जो तफ्तीश है और उसमें इसको अब हम डमी कह सकते हैं, तो डमी का मतलब ये है कि दैट वाज ओनली फॉर ए थ्रेटनिंग पर्पस। सर ये थ्रेटनिंग पर्पस, मगर आने वाले समय में अगर कोई नई चीज़ होगी तो उसके बारे में आइडिया कहाँ से आया कि पत्र भी भेज सकते थे? ये तफ्तीश का विषय है। वो भी मालूम किया जा रहा है। सर, टीम के लिए ऑफ द रिकॉर्ड है, मत कीजिए। 2 साल में 1.5 साल में 18 लाख के कैश रिवॉर्ड दे के आया हुआ, ये भी काम करेंगे तो ले लेंगे। बैठ जा, बैठ 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 बैठ, तू ही तो मेहनत करिए, बैठ जा। यस, वो आरोपी अब इनकी फोटोग्राफ कराओ, तराजन आरोपियों को ले जाकर बाहर बड़े जाए, ठीक है, लेके आओ उनको। यस, व्यापारी को डमी बम भेजकर रंगदारी मांगने से जुड़ा ये पूरा मसला है। कल जवाहर नगर इलाके में ये घटना हुई थी। DCP ईस्ट प्रहलाद कृष्णिया को इसमें सफलता मिली है। जवाहर नगर थाना पुलिस ने महिला और युवक को हिरासत में लिया है। बड़ी सफलता निश्चित तौर पर हाथ लगी है। ऐसे में उन्होंने पूरे मामले का खुलासा भी किया है कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई, और उन्होंने ये भी बताया कि जो डमी बम मिला है अब उसको लेकर भी अनुसंधान लगातार जारी रहेगा।